नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। भारत की सारी परेशानियों की जड़ में एक प्रमुख कारण गरीबी है, और गरीबी से लड़ने का तरीका यह है कि सरकार ने गरीबी की रिपोर्ट प्रकाशित करना ही बंद कर दिया है। तो गरीबी के इर्द गिर्द जितनी बहसें बनती हैं, इस सब पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हिमांशु। तो सर, आपसे पहला सवाल यह होगा कि ये गरीबी की रिपोर्ट सरकार कब से बंद कर दी है, और जो गरीबी की रिपोर्ट हम देखते हैं जो स्वतंत्र संस्थाएं देती हैं उसको लेकर के, और जो आधिकारिक रिपोर्ट होती है उसको लेकर के क्या पैमाना बनाया जा सकता है? देखिए, 2011-12 में आखिरी रिपोर्ट आई थी गरीबी को लेकर, जो उस समय जो योजना आयोग होती थी वो निकालती थी उसको, और उसका इस्तेमाल किया जाता था। बाकी सारे सरकारी स्कीम जितने भी होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उन सब में इस्तेमाल किया जाता है। 2014 में योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया, नीति आयोग आ गई, पर उसके बाद से फिर हमारे यहाँ तरफ से किसी भी तरीके से नीति आयोग की तरफ से गरीबी को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं आई है। एक रिपोर्ट बीच में आई थी जिसमें उन्होंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के नाम पर कुछ किया था, लेकिन जो आधिकारिक पॉवर्टी का, जो गरीबी की रिपोर्ट के इस्तेमाल होता है सरकारी स्कीम्स में, सरकारी योजनाओं में, वो अभी भी 2011-12 के रिपोर्ट पे आधारित, उसका बाद में उसका अपडेशन नहीं हुआ है। और नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो जिन आंकड़ों पर ये रिपोर्ट बनती थी, जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण संस्थान है, नेशनल स्टैटिस्टिकल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जो अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, वो एक कंजम्पशन सर्वे किया करता था, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जिसको कहते हैं, कि कितना आप खर्च करते हैं उसका एक सर्वे होता है। ये सर्वे 2011-12 में आखिरी बार हुआ। उसके बाद से ये सर्वे हुआ एक्चुअली 2017-18 में, लेकिन 2017-18 के जो सर्वे के आंकड़े लीक हुए, मतलब सरकार ने रिलीज नहीं किया, एक पत्रकार ने 2019 में उसको रिलीज किया, लीक किया, और उसके बाद से सरकार ने तुरंत उस रिपोर्ट को रद्द कर दी, वो पूरा का पूरा सर्वे ही रद्द हो। तो अभी ना हमारे पास आंकड़े हैं, ना ही हमारे पास रिपोर्ट है, और अभी ये खबर है कि इस साल से 2022-23 में वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़े फिर से कलेक्ट किए जा रहे हैं, फिर से उसको सर्वे को किया जा रहा है। अगर वो सर्वे हो भी जाता है तो इसमें उस सर्वे से गरीबी के आंकड़े निकाले जाते हैं, लेकिन उसके लिए फिर उसको नीति आयोग को एक कमेटी बनानी पड़ेगी, और उसको जो है वो कैलकुलेशन करके वो उनको निकालना पड़ेगा। उसके बारे में अभी तक कोई भी किसी भी तरीके का प्रोग्रेस नहीं है, ना ही नीति आयोग या सरकार में किसी को इसके कोई इंटरेस्ट है कि गरीबी के आंकड़े होने चाहिए, क्या हुआ, खास करके कोविड के माहौल में, जबकि काफ़ी सारे लोगों को जो है दिक्कतें आई, खाने की दिक्कतें आई, इतने सारे जो है वो माइग्रेंट लेबरर वापस आए शहर से गाँव की तरफ, कई लोगों की नौकरियां चली गई। ऐसी स्थिति में गरीबी के आंकड़े हमें ना सिर्फ ये बताते कि क्यों, बल्कि ये भी बताते हैं कि इनका हम किस तरीके से एक सोशल प्रोटेक्शन हम उसको इंतजाम कर सकते हैं, किस तरीके से सरकारी नीतियों का एक ढांचा तैयार किया जा सकता है कि अगर कल को कोई और आपदा आती है इसमें सरकार किस तरीके से जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको मदद कर सकते हैं। ये वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक यह पता चला था कि गरीबी कम हुई है। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कि जब ये रिपोर्टें प्रकाशित होती हैं स्वतंत्र संस्थाओं के जरिए, लेकिन भारत सरकार रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करती है? देखिए, ये दोनों रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट नहीं है। पहली बात में जो वहां पे काम करते हैं उनके रिसर्चर्स जो एफिलिएटेड, वो उनके रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक के आधिकारिक रिपोर्ट जो है वो अलग है, और जो पेपर उन्होंने पब्लिश किया वर्ल्ड बैंक के जो रिसर्चर्स हैं सुतीर्थो और रॉय वेड, इन दोनों की जो पेपर्स हैं, ये दोनों पेपर जो है ये उनके अपने कैलकुलेशन। उसी तरीके से जो IMF का जो पेपर है वो IMF का पेपर नहीं है, उसमें एक व्यक्ति जो सुजीत भल्ला है वो भारत के द्वारा मनोनीत जो है कहे जाएंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पर वो IMF का पोजीशन नहीं, ये उनका अपना पोजीशन है, और उसको IMF या वर्ल्ड बैंक किसी भी तरीके से उसको रिकमेंड नहीं करती है, या किसी भी तरीके से सरकारी रूप से उसको, आधिकारिक रूप से उसको नहीं मानती है कि ये आंकड़े हैं। और ये सबसे मजेदार बात यही है कि अगर आप जाके आज के दिन में वर्ल्ड बैंक के पॉवर्टी के जो डेट का जो डेटा है उसको जाकर चेक करेंगे तो वो बिल्कुल अलग नंबर आपको बताएं। लेकिन फिर भी जो है, चूंकि ये लोग जो है वो एक ये काफ़ी बड़े मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन हैं,
ये इनकी तरफ से जब ये चीजें आती है तो इसका एक मतलब होता है, और इसलिए भी जरूरी है कि सरकार अपनी जिम्मेवारी को पूरी करे। अगर आप अपनी जिम्मेवारी को पूरी नहीं करेंगे तो कई तरीके के प्राइवेट रिसर्चर्स होंगे जो अपने अपने हिसाब से निकालेंगे। तो जैसे वर्ल्ड बैंक के प्राइवेट रिसर्चर्स ने निकाला, IMF के प्राइवेट रिसर्चर्स ने निकाला, यहाँ जो है वो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं विवेक देबरॉय, उन्होंने भी कल एक कॉलम में पॉवर्टी इश्यूज के बारे में चर्चा की, उसमें बिल्कुल अलग नंबर है। पर ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, पर आधिकारिक तौर पर अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिसर्च बंद हो जाएगा, लोग कहना बातें करना बंद कर देंगे या लोग इस पर कहना बंद कर, वो होते रहेंगे। इसलिए एक आधिकारिक रिपोर्ट का होना जरूरी है ताकि कम से कम ये पता चले कि सरकार इसके बारे में क्या सोचती है, सरकार का क्या रवैया है और सरकार की तरफ से कौन से आंकड़े हैं जो कि सरकार को मंजूर है। अब आपसे एक थोड़ा बुनियादी सवाल में अगर मैं आपसे पूछूं तो ये गरीबी कहते किसे हैं, और आप अपने एक लेख में बताते हैं कि साल 2009 में तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा का निर्धारण किया था और उसके बाद से यह नहीं हुआ है और उसके बाद जमाना बहुत बदल गया है, तो थोड़ा इस पे बताइए। देखिए, हमारे यहाँ गरीबी का निर्धारण करने के लिए आधिकारिक कमेटी बहुत पहले से चली आ रही है, 1960 से आधिकारिक तरीके से की जा रही है। पर गरीबी के बारे में तो रिसर्च काफी पहले से, दादा भाई नौरोजी की जो किताब है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, उसमें भी उन्होंने एक आकलन किया है कि देश में कितनी गरीबी, वो एक प्राइवेट आकलन है, लेकिन आधिकारिक रूप से 1960 से हमारे यहाँ इस पर चली आ रही है। क्योंकि हमारे जो पहले योजनाएं होती थी उन योजनाओं का एक लक्ष्य भी होता था कि हम कितनी गरीबी को कम करेंगे। आखिर तौर पे जब देश में विकास हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, उसको मापने का एक तरीका है GDP ग्रोथ, लेकिन हमारा मकसद ये भी तो जानने का है कि आखिर इस वृद्धि जो हुई है, ये जो GDP ग्रोथ हुआ है, उसका फायदा किसको मिला है, क्या उससे गरीबों की जिंदगी में कोई फर्क आया है, क्या उनके जो है वो रहने ढहने के तरीके में कुछ फर्क आया है, क्या उनको बुनियादी सुविधाएं मुहैया हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो गरीबी की रेखाएं जब भी बनती हैं, गरीबी के बारे में जो भी मापदंड तैयार किए जाते हैं, वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखी जाती है कि क्या न्यूनतम जो चीज़ें जो खर्च जो है वो एक व्यक्ति और एक परिवार को मिलनी चाहिए। अगर आप उस न्यूनतम मानदंड के नीचे हैं तो आपको गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है, और अगर आप न्यूनतम मानदंड को मीट करते हैं, उससे ऊपर है, तब आपको गरीब नहीं माना जाता है। पर ये याद रखिए कि ये सिर्फ एक सांख्यिकी नंबर है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति वो न्यूनतम मानदंड, याद रखिए न्यूनतम मानदंड उससे मतलब मिनिमम है, उससे कम। तेंदुलकर समिति में 29 रुपया शहरी इलाकों के लिए और 22 रुपया ग्रामीण इलाकों के लिए प्रतिदिन, ये कहीं भी हो तो ये मान के चलिए कि ये सबसे कम है, मतलब इससे कम में आपका जीवन संभव नहीं होना चाहिए। तो ये इस लेवल का कम होता है, हम उसको डेस्टिट्यूशन लाइन भी कह सकते, मतलब ये नहीं होता है कि ये लाइन के बाद से आप अगर 29 रुपए से के नीचे आप गरीब हैं तो 30 रुपए में आप अमीर हो गए, आप अमीर नहीं होते। इसका मतलब ये होता है कि 29 से कम जो लोग हैं वो वास्तविकता में उनका रहना जीना मुश्किल असंभव करीब होता है, तो कम से कम उन सारे लोगों के लिए एक सरकारी तौर पर आधिकारिक तौर पर कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए, उनकी प्राथमिकता सबसे पहले होनी चाहिए, यही मतलब होता है। उसका ये मतलब कतई नहीं है कि 30 रुपए वाला आदमी जो है वो बहुत अमीर है और बहुत उसको किसी भी तरीके की मदद की जरूरत नहीं, पर ये हम करते आए हैं। और हमेशा जब स्थिति बदलती है, देश की वृद्धि दर बदलती है या जो देश की जो वातावरण जो इसकी जरूरतें बदलती है, उन जरूरतों के हिसाब से हमें जो है वो इन मानदंडों को भी बदलना होता है। जैसे तेंदुलकर कमेटी ने नए मानदंड लगाए कि शिक्षा के तरीके से क्या मानदंड होने चाहिए, स्वास्थ्य को भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए, और ये सारी चीज़ों को जब उसके बाद की जो कमेटी बनी रंगराजन कमेटी, उसने भी इसको माना कि आज के दिन में जरूरतें सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य शिक्षा और बाकी सारी चीज़ें भी जो है आपकी न्यूनतम मानदंड में शामिल किए जानी चाहिए। तो ये होते रहना चाहिए, ये होते रहना चाहिए सिर्फ इसलिए नहीं जानने के लिए कि हमारे देश में कितने लोग गरीब हैं, बल्कि सरकार को ये याद दिलाने के लिए कि आपकी जिम्मेवारी क्या क्या है, और ये काम बहुत जरूरी होता है जो गरीबी के आंकड़े करते हैं। तो ये जो गरीबी के आंकड़ों से अगर हम आगे बढ़े तो एक बात, एक प्रश्न उठता है आर्थिक असमानता, और अभी एक रिपोर्ट नीति आयोग ने भी जारी की है कि भारत में केवल 10% कामगार 25,000 कमाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका किताब क्या कहता है कि जो गरीबी की स्थिति होगी वो पहले के मुकाबले कम होगी या ज्यादा होगी? देखिए, गरीबी के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है जब तक कि हमारे पास आंकड़े नहीं, पर जो हमारे तरीके से जो कई तरीके के प्राइवेट सर्वे से और बाकी जगह से जो खबर आ रही है, वर्ल्ड बैंक IMF की रिपोर्ट से भी आ रही है, इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 2000
2004 से 2011 के बीच में गरीबी घटने की जो दर थी उसकी तुलना में 2011 से लेकर 2021 तक 2021 तक के जो गरीबी के घटने की दर में भयानक कमी आई। पहले जितना गरीबी कम होता था 2004 और 11 के बीच में, उसकी तुलना में अब कम लोग जो है वो गरीबी से रेखा से बाहर निकल रहे हैं। कुछ आंकड़े ये भी कहते हैं कि गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है, गरीबी के प्रतिशत में वृद्धि हुई है, कुछ आंकड़े ये भी कहते हैं। तो आखिर क्या सच है क्या नहीं है, लेकिन कुछ चीजों पे तो हम कम से कम एक सहमति बना सकते हैं। यह सहमति ये है कि 2011-12 के बाद से हमारा जो एक गरीबी को हटाने के प्रति एक कमिटमेंट होना चाहिए था, उसका असर कम दिख रहा है, वो अपने आप एक चिंता की बात है। भले इसका मतलब है कि कुछ लोग फिर भी गरीबी से बाहर आ गए होंगे, लेकिन हमें उसको इस ध्यय से देखना पड़ेगा कि जब हमारा विकास दर बढ़ रहा है, हमारा विकास दर जो भी है, उस हिसाब से क्या उतने ही लोग इसको फायदा उठा पा रहे हैं, क्या उनके लोग गरीबी से बाहर निकल पा रहे हैं। आर्थिक विषमता रहेगी और आर्थिक विषमता को जो भी आप बातें कह रहे हैं वो सही है, वो बढ़ी भी है और उनको लेकर भी, पर मुझे लगता है कि किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि कम से कम जो नीचे के स्तर में लोग, नीचे के तबके के लोग हैं, उनको बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराए जाए, उनको खाने की व्यवस्था हो, उनको रोजगार की व्यवस्था हो, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, उनके शिक्षा की व्यवस्था हो। ये इन सारी चीज़ों के बावजूद है कि भले आपके 10 लोग जो हैं उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, लाखों रुपए की, जो व्यक्ति जो है आज के दिन में नीचे तबके में और वो करोड़ों में, उनको हमें जो है वो बेसिक सुविधाएं मुहैया कराना है, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है सर इनकम इनइक्वालिटी, और एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है वेल्थ इनइक्वालिटी। और हम देखें कि अगर 25,000 से कम कमाने वाली आबादी 90% है, वैसी स्थिति में अगर हम देखें तो थोड़ा ये बताइए कि इनकम इक्वालिटी और ये वेल्थ इनइक्वालिटी क्या होती है, और ये भी कि जो बुनियादी जरूरतें हैं जैसे कि घर, कपड़ा या स्कूल भेजना, इससे तो बहुत बड़ी आबादी अगर ये आंकड़े हम देखें तो महरूम रह जाती है। बिल्कुल महरूम रह जाती है वो आबादी जो है, वो उसको जो है तो हमारे सुविधा सरकार की तरफ से, उसकी जिम्मेवारी सरकार की है। जो अमीर है वो पैसे से कुछ भी खरीद सकता है, वो शिक्षा भी खरीद लेता है और वो स्वास्थ्य भी खरीद लेता है और बाकी सारी चीज़ें भी खरीद लेता है। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी सरकार की होती है कि जो लोग आज के दिन में उनके पास इतनी आय नहीं या फिर उनके पास उनको प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं है, वो इस चीज़ पे कम से कम ना बचे रहें, क्योंकि इससे गरीबी उनके सिर्फ अपने जनरेशन की गरीबी की नहीं होती है, उनके बच्चे, उनके आगे वाली पीढ़ी के बारे में जो है वो उसका असर होता है, वो पूरा जो है वो जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक पॉवर्टी के एक जाल में फंस जाते हैं। इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी हो या वेल्थ इनइक्वालिटी हो, ये सारी इनइक्वालिटी जब हम बात करते हैं हम आर्थिक मानदंड के देखते हैं, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है। पर जब विषमता की हम बात करते हैं, इनइक्वालिटी की बात करते हैं, तो इसमें कई तरीके के आयाम आ जाते हैं, जैसे उसमें एक जेंडर का आयाम आ जाता है, जो है वो महिलाओं अमीरों के अंदर भी थी, महिलाओं का एक अलग स्तर होता है, कास्ट का बात आ जाता है, जाति की बात आ जाती है, कि अगर समान आय वाले लोग और समान जिनके पास वेल्थ हो उसके बावजूद भी जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो आजकल के दिन में हम देखते हैं। थोड़ा ये भी बता दीजिएगा इनकम और वेल्थ में अंतर क्या होता है। इनकम हुआ जो आप सालाना आप कमाते हैं, वो आपका इनकम हो गया। वेल्थ हो गया जो आपके पास स्टॉक हो गया, एक फ्लो है और दूसरा स्टॉक है। अच्छा। मतलब एक जो है वो आप प्रति माह या प्रति साल जितना आपके पास इनकम में आपका एडिशन होता है वो आपका इनकम हो गया। वेल्थ हो गया जो आपने इनहेरिट किया है या कमा के आपने सेव किया है, जो आपके पास एक संपत्ति हो गई, दूसरी आय हो गई, यानी कि घर, मोटरसाइकिल, कार, सब कुछ आपका वेल्थ किया जाता है। तो ये सब एक तरीके से देखा जाए वेल्थ इनइक्वालिटी हमेशा ज्यादा होगी इनकम इनइक्वालिटी से, और क्योंकि वो इनहेरिटेड भी होता है, एक्युमुलेटेड भी होता है, सामाजिक संरचना से भी उसका मतलब होता है और एक हिस्टोरिकल भी होता है, जैसे जमींदार के परिवार जमींदारी इनहेरिट करते हैं, बड़े बिजनेस के लड़के जो है वो बिजनेस इनहेरिट करते हैं, वो भी होता है। तो उससे जो है वो आर्थिक विषमता जो है वो बढ़ती ही है और जो इनकम इनइक्वालिटी है वो अफेक्ट होती है, क्योंकि एक तरीके से हम उस सामाजिक संरचना को बनाए रखते हैं, अगर हम वेल्थ इनइक्वालिटी की बात नहीं करेंगे तो बाकी सारे कई सारे देशों में एक इनहेरिटेंस टैक्स होता है जो कि वेल्थ इनइक्वालिटी को कम करने के लिए होता है। हमारे यहाँ भी वेल्थ टैक्स भी होता था जो इस सरकार के समय में इसको हटा दिया गया है, पर मुझे लगता है कि
इनइक्वालिटी की बात जो है वो जुड़ी हुई है गरीबी के बाद से, पर कहीं ना कहीं हमारी प्राथमिकता एक मिनिमम लेवल पे, न्यूनतम स्तर पे ये होनी चाहिए कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग जो है वो बेसिक सर्विसेज जिनके पास नहीं है, उनको कम से कम बेसिक सर्विसेज मिल लीजिए। हमारे यहाँ बहुत बड़ी जो आबादी जो काम करती है, कामगार है, वो IAS, कलेक्टर, डॉक्टर, वकील से ज्यादा मजदूर और किसानों की। और ये जो मजदूर और किसानों की जो स्थिति है वो कैसी है इस समय? मजदूरों की स्थिति तो उनके उनके जो आते हैं मजदूरी का एक दर आता है, वेज रेट जिसको हम कहते हैं, उसके आंकड़े आ रहे हैं, उसके आंकड़े जो है वो गरीबी के आंकड़े के करीब करीब बराबर ही होते हैं। और वो क्या, उनके अगर हम आकलन करें तो उनके हिसाब से जो है वो 2013 के बाद से जो मुद्रास्फीति के दर को अगर हम उसमें हटा लें तो उनकी आय कम होगी, उनकी जो है वो वेजेस जो है वो कम हो गई है। और कृषि का तो आपको, कृषि का तो बताइए, कृषि के जहाँ तक है कई कई जो आंकड़े हैं जो अभी जो प्राइवेट, क्योंकि सरकार इन आंकड़ों को नहीं निकालती है, लेकिन कई लोगों ने इसका आकलन किया है और आकलन करने के बाद से यही लग रही है कि कहीं ना कहीं जो है वो जो कृषि में भी जो आय है, इनकम है, वो कम होते जा रही है। और जो आखिरी जो सर्वे आया था नेशनल सैम्पल सर्वे का, सिचुएशन असेसमेंट ऑफ फार्मर्स, उसमें दिखाता है कि जो जो लोग कृषि आधारित परिवार हैं उनके अंदर भी उनका जो कृषि से जो इनकम आता था वो कम हो, उसका शेयर भी कम हो गया और रियल टेंशन भी कम हो गया, बल्कि वो ज़्यादा ज़्यादा अब मजदूरी पर डिपेंड कर रहे हैं, उनको मजदूरी करना पड़ रहा है अपनी आय को बढ़ाने के। तो अभी तक वो स्थिति यही दिख रही है कि कहीं ना कहीं से लग रहा है कि जो नीचे का तबका है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुआ। अब आपसे अंतिम सवाल होगा कि आप एक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और चीज़ों को बड़े बारीकी नज़र से देख रहे होंगे, तो भारत की अर्थव्यवस्था की नीतियां में कमी कहाँ है और वहाँ पे क्या उपाय हैं कि वो लोग कल्याणकारी बन सके? देखिए, नीतियों में तो काफ़ी सारे उसका आकलन करना इतना आसान नहीं है इतने छोटे समय में, लेकिन मुझे लेकिन फिर भी गरीबी के बारीकी से, गरीबी को लेकर के देखा जाए तो कहीं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक जो सरकारी नीति होनी चाहिए, सरकारी नीति में रोजगार सबसे बड़ा तरीका है जिससे कि आप व्यक्ति को उसका जो इनइक्वालिटी है उसको आप कम कर सकते हैं, इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी दोनों को कम कर। और वो सारी चीज़ों के लिए हमारी जो अर्थव्यवस्था आज के दिन में जो है भले बढ़ रही हो, लेकिन वो रोजगार उत्पन्न नहीं कर रही। जब तक रोजगार उत्पन्न नहीं होगा, हम गरीबी को एक समुचित तरीके से, किसी तरीके से हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरा जो जरूरी होता है कि कम से कम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो एक अधिकार होती है, मौलिक अधिकार जिसको हम बोलते हैं, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, खाने का जो होता है, ये सारे अधिकार जो है वो इनका जो है वो सरकारी नीतियों से भी हम उसको दरकिनार करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके अधिकार है जो आपको आपको एक डेमोक्रेसी में, एक जनतंत्र में रहने पे मिलना चाहिए। आप अगर इस समाज में रहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, इसके बावजूद कि कैसी इकोनॉमिक पॉलिसी आप चला। तो सरकार को इन सारी चीज़ों पे कम से कम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और ये सारी चीज़ों को इंश्योर करना चाहिए कि जो भी हो, जैसी भी नीतियाँ हो, ग्रोथ कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन एक व्यक्ति को उसका जो मौलिक अधिकार है शिक्षा का, उसका स्वास्थ्य का, रोजगार का और खाने का, ये कम से कम उसको मिलना चाहिए और हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, भले वो अमीर से आदमी हो और गरीब से गरीब आदमी हो। अगर ये सिस्टम को हम फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आर्थिक नीतियों में एक काफ़ी स्पेस अवेलेबल है, एक व्यवस्था हमारे पास मौजूद है जिसको हम इस्तेमाल करके इन सारी चीज़ों को हम अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमें विकास नहीं चाहिए, पर हम ये कहना चाहते हैं कि विकास का मतलब ही, मतलब हमें ये जुड़ना पड़ेगा कि ये विकास इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है वो विकास नहीं हो सकता। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए हिमांशु जी, अगर आगे और मुद्दे आएंगे तो हम आपसे और जुड़ेंगे। शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं, हमारे ट्विटर पेज, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।